नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में देपालपुर तहसील के किसानों के साथ जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हालांकि किसानों ने पुलिस और प्रशासन की शरण भी ली, लेकिन पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके पीछे प्रशासन के अपने तर्क हैं। दरअसल इंदौर के विकास खंड देपालपुर तहसील राऊ जिला इंदौर में खेतीहर किसान रामेश्वर पिता गोपाल पटेल, मूलचंद पिता गोपाल पटेल, मनोज पिता रामेश्वर पटेल, निवासी ग्राम धन्नर की स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि का सौदा साल 2020 में 2.25 करोड़ रुपए में उमाशंकर दुबे और प्रदीप कुमार दुबे निवासी विदिशा से किया गया था। जमीन हस्तांतरण के दौरान विदिशा के दुबे बंधु भुगतान समय पर नहीं कर पाए और उन्होंने किसानों की जमीन इंदौर के जमीन के जादूगर जितेंद्र सेन को बेच दी। इधर जितेंद्र सेन ने किसानों की जमीन के एवज में रुपयों का भुगतान तो कर दिया, लेकिन उसके द्वारा विक्रय अनुबंध के नाम पर किसानों के खाते खुलवा दिए गए हैं और उनसे चेक लेकर दोबारा भुगतान की गई राशि निकाल ली गई। इधर अब किसान इस मामले को लेकर दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। किसानों की माने तो जितेंद्र सेन गुंडा है और उसके ऑर्बिट मॉल स्थित दफ्तर पर बुलाकर कई बार जान से मारने की धमकी भी दी है। इतना ही नहीं, किसानों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो अपनी जान दे देंगे। मंगलवार को किसान अपर कलेक्टर अभय बेडेकर से मिले और उन्हें अपनी व्यथा बताई। हालांकि अपर कलेक्टर ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन उनका यह भी मानना है कि इस मामले में खरीदने वाले पर आरोप सिद्ध करना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि किसानों के पास पुख्ता कागजी सबूत नहीं है और उन्हें भुगतान भी किया गया था, लेकिन किसानों की चेक लेकर रुपया वापस निकालने को लेकर भी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं बनती है। सर, यह हमारी जमीन की धोखाधड़ी का मामला है। 2020 में हमने, मेरे अंकल और मैंने दोनों ने मिलकर 8.5 बीघे ज़मीन उमाशंकर दुबे विदिशा वाले को दी थी, जो PTC चेक पर रजिस्ट्री की गई थी, जो हमारे 2,26,00,000 रुपए रुके हुए थे। उसने कुछ आश्वासन हमको दिया कि 5-6 महीने में पैसे आपके दे देता हूँ। पैसे उसने दिए नहीं। उसके बाद में उसने ज़मीन जीतू सेन को बेच दी। आरबिड माल में इसका ऑफिस है 253 में। उसके बाद जीतू सेन हमसे आके मिला, बोले भैया आपके जो पैसे हैं पुराने पैसे मैं आपको दे दूँगा। वो हमको 7-8 महीने तक झुलाते रहे, आज दे देता हूँ कल दे देता हूँ, पैसे दिए नहीं। उसके बाद एक दिन उसने उसके ऑफिस विजयनगर आर्बिट माल में मेरे पिताजी अंकल मेरे को बुलाया। वहाँ पे उसने बोला कि आप आपके अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके अकाउंट में मैं एंट्री घुमा के पैसे दे देता हूँ आपके। उसके बाद में उसने हमारे पड़ोस में 2.5 बीघे ज़मीन हरिराम जी मोगिया की ली है, उसमें हमारे अंकल की 8 आरे ज़मीन निकली है, 15 आरे मेरे पिताजी के नाम से निकली है, जो उसने बोला कि आपके काम की नहीं गड्ढे की ज़मीन है। तो 8 आरे के अंकल के ज़मीन का सौदा था और हमारी भी 8 आरे की, जो अंकल की उसने 8.5 से 9 बीघे की रजिस्ट्री करवा ली 8 आरे की जगह। और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर, 3 लोगों के साथ हुई है। और मेरे अभी तो यहाँ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला, बोले थाने पर जाओ, थाने पर से ही जो भी होगा होगा। बाकी थाने पे हम जा चुके हैं, थाने से कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। उसमें हमारे फुटेज जो हमने वहाँ पे जांच की, पंकज जी ओझा ने जांच की है, HDFC बैंक से हमारे पैसे भी हमारे अकाउंट से उसी के आदमी ने, अनिल कराड़े ने निकाले हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और हमको धमकियाँ भी मिली है। जितेंद्र सेन का कहना पड़ रहा है कि ये नरोत्तम जी मिश्रा, उनके लिए मैंने माल खरीदा है, ज़्यादा करोगे तो मैं आपको मरवा दूँगा। मेरे को जान से धमकी दी गई है, मेरे पास उसके रिकॉर्डिंग है। उसके बावजूद भी साहब नए नए आदमी हमारे खेत पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, माता बहनें हमारे खेत पे रहती है, उनको बेटमा थाने में जो है अभी तक आपकी भाई नाम बताइए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे बेटमा थाने? जी साहब, हम न्याय चाहते हैं। हमको बेटमा थाने से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी जाँच चल रही है, बाकी कुछ हो नहीं पा रहा है, या तो हमको जहर खा के मरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास। मनोज पटेल, पिता रामेश्वर पटेल। परंतु पहले ये प्रमाणित हो कि इनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि धोखाधड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंटेंशन प्रूफ होना चाहिए कि अगले के साथ धोखा हुआ और धोखा करने की नीयत से धोखा किया गया, तो उसमें जांच चल रही है और अगर ऐसा कुछ बनेगा तो पुलिस और हम मिलकर उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, बुजुर्ग लोगों को उसमें मदद की जाएगी। सर, मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं है? FIR दर्ज, मैंने जैसा अभी फिर से कहा कि FIR दर्ज करना पुलिस का काम है, और जब मैंने SP ग्रामीण से जब बात की तो उनका कहना था कि इसमें कोई भी ऐसा तथ्य समक्ष में नहीं आया है जिसमें यह साबित हो सके कि FIR करने का मैटर है, क्योंकि किसी के कहने से तो FIR नहीं दर्ज हो जाएगी। FIR दर्ज करने के लिए कारण होने चाहिए, तो उनको कारण पर्याप्त नहीं लगे होंगे। सर, जो सेन है, इसका बैकग्राउंड कैसा है? धमकी भी मिल रही है? हाँ, मिल रही है धमकी।
तो उन्हें उसके लिए अलग से कंप्लेंट करना चाहिए, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो उसमें पुलिस शायद कार्रवाई कर सके। ठीक है, थैंक यू।